ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਆ, ਬੜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਲਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਲਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵਿਦਾਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ। अलस्तु बिरब्बिकुम, कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं, जिसके जवाब में तमाम अरबा ने कहा कालू बला, यानी बेशक आप ही हमारे रब हैं। इस कौलो करार के बावजूद इंसान ने करोड़ों छोटे माबूद और खुदा गढ़ लिए। बाज़ इंसानों ने सूरज की परस्तिश की तो बाज़ ने चांद की, किसी ने आग को खुदा माना तो किसी ने आसमान पर कड़कती बिजली को, और इंसानों की एक बड़ी तादाद तो खुद अपने हाथों से तख्लीक शुदा बुतों को ही अपने खुदा का दर्जा दे बैठी। इन बुतों में से कुछ तो ऐसे अजीबो गरीब थे कि जो ना सिर्फ इंसानों से बातें करती बल्कि इनसे चढ़ावे और नजराने भी तलब करती। आज अच्छा एक मिनट, इतने मैं गल तुहानू पहले ही जिहड़ी क्लीयर कर दां, जिहड़े इत्थे बुतां दी गल हो रही है इह हिंदू धर्म दे बुतां दी गल नहीं हो रही, ठीक है। उन्हां दी गल नहीं हो रही। अज तो बड़े टाइम पहला ये चीज़ां हुंदियां सी, बुत बनाए जांदे सी बड़े धर्मां दे द्वारा, उन्हां नू बली भी दित्ती जांदी सी। तुसीं काफ़ी सारियां गल्लां इदां दियां सुनियां होणियां जां कदे कोई वैब सीरीज़ कोई फिल्म देखी होणी जिहे च इह चीज़ हुंदी है। इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसी झूठे खुदाओं का अहवाल सुनाएंगे कि जिन्होंने कौमों की कौमी शिर्क में मुब्तिला करके तबाहो बर्बाद कर दी, जिनका तस्किरा अल्लाह ताला ने कुरानी मजीद में किया है और इनके शर से महफूज रहने की तलकीन भी फरमाई है। दौरे जाहिलियत में लात अहले अरब का एक इंतहाई अहम बुत था। ये मुरब्बा शक्ल का मालिक और सफ़ेद पत्थरों से बना हुआ था। अच्छा। अहले अरब इस बुत की इबादत करते थे और इसे खुदाई का दर्जा देते थे। ये बुत ऐन उस जगह मौजूद था जहां आजकल मस्जिद ताइफ का बाया मीनार वाकई है। कबीलाए बनो सकीफ लात नामी इस बुत के बहुत ज़्यादा मोतकिद थे। तारीखी अरब के मुताबिक जब इब्राहा का लश्कर खानाए काबा पर हमले की गर्ज से ताइफ के करीब से गुजरा तो अहले ताइफ ने उन्हें मक्का तक रहनुमाई और दीगर सहूलियात मुहैया की कि कहीं वो इनके माबूद लात की बुत को मुनहदिम न कर दें। लफ्ज़ लात की लगवी माने हैं सत्तू घुलने वाला। अहले अरब के मुताबिक ज़माने जाहिलियत में एक शख्स हज्जाज के लिए सत्तू तैयार करता था। इसके मर जाने के बाद अहले ताइफ ने इस चट्टान की परस्तिश शुरू कर दी जहां बैठकर वो ये काम किया करता था। रफ्ता रफ्ता ये झूठा माबूद यानी लात इस कदर मकबूल हो गया कि तमाम अरब में इसकी इबादत की जाने लगी। लात का जिक्र कुरान करीम की सूरह नजम में उज़ा और मनात के साथ हुआ है। दौरे जहिलियत में ये तीनों अहले अरब की मौजिज़ तरीन देवियाँ थीं जिन्हें वो खुदा की बेटियाँ तस्लीम करती थी। नाऊज़ु बिल्ला। उज़ा ज़हूरे इस्लाम से कबल उज़ा अहले अरब में सबसे ज़्यादा पूजा जाने वाला बुत था। अहले अरब के मुताबिक कदीम अदवार में उज़ा एक नेक और शरीफ लड़की थी जो अहले ताइफ को एक वीरान और गैर आबाद मकान से मिली थी। रिवायत के मुताबिक जो भी इस लड़की पर बुरी नज़र डालता वो किसी न किसी आफत में मुब्तिला हो जाता, इसलिए अहले ताइफ इसे खुदा की बेटी कहा करती। नाऊज़ु बिल्ला। फिर एक दिन ये लड़की अचानक ही कहीं गायब हो गई, लेकिन अहले अरब ने मक्का और ताइफ के दरमियान मौजूद वादी नखला में एक बुत बनाकर इस लड़की की इबादत शुरू कर दी। कुरैश समेत अरब की तमाम मशहूर कबाइल उज़ा की इबादत के लिए यहाँ आती और कुर्बानी के जानवर यहाँ लाकर ज़िबा करती। उज़ा के बुत की एक ख़ास बात ये थी कि ये अपने पैरोकारों से कलाम भी करती थी, यानी ये एक बोलने वाला बुत था। दोस्तों दर हकीकत ये इब्लीस की हामी एक जिन औरत थी जो इस मंदिर से करीब झाओ के एक दरख्त पर रहा करती। फताहे मक्का के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उज़ा का बुत गिराने और झाओ के इस दरख्त को काटने के लिए हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रवाना किया। हज़रत खालिद बिन वलीद ने न सिर्फ उज़ा की उस मशहूर बुत को तोड़ दिया बल्कि उस शैतान जिन को भी कत्ल कर दिया कि जिसके बाइस ये बुत कलाम करता था। मनात।
अच्छा इतने ना मेरे ख्याल उन्होंने बुतों की गल हो रही है जी, जे बुतों का आप सुनिया कि इस्लाम धर्म जदों बनया ठीक है तो उदों मतलब इन्ह सारे बुतों तोड़िया गया क्योंकि इस्लाम के भी पहला बहुत टाइम पहला बुतों की पूजा जी की जाती सी मनात भी लात जां तुसी मे बी शायद इदा नहीं कह सकते कि इस्लाम विच क्योंकि ये मिसकनसैप्शन है कई लोग इदा कहिंदे कि नहीं कहिंदे पर क्योंकि इस्लाम विच तां बुत्तां दी शुरू तों मनाही है जिद्दां सिखिज़म विच है तो इदा आपां कह नहीं सकते मे बी हाँ इदा कह सकते हैं कि पहलां बुत्तां नूं पूजिया जांदा सी पर जदों इस्लाम धर्म बनिया तां इन्हां चीज़ां नूं खारिज कर दिता गया और उज़ा की तरह अरबों का एक कदीम माबूद था जिसे ये लोग मौत और तकदीर का मालिक समझती थी। मनात को सरजमीनी अरब का सबसे कदीम बुत भी तस्लीम किया जाता है। मनात का मंदिर मक्का और मदीना के दरमियान कदीद नामी मकाम पर वाकई था। यूं तो तमाम अरब ही मनात की इबादत करता था ताहम यसरब अच्छा। के दो बड़े कबीले औस और खजरज इसके बहुत ज़्यादा मोतकिद थे। औस और खजरज में ये रिवायत थी कि जब इन कबाइल के लोग हज करके वापस लौटते तो वो अपना अहराम इसी बुत के पास आकर उतारा करती। जब एक मिनट सो इट मीन के इस्लाम धर्म उदों सी उदों भी जिहड़ियां बुतां दी पूजा कीती गई लाइक उन्होंने कहा कि जो हज करके वापस आउंदे सी तो इन्हां बुतां नूं भी पूजदे सी। ओके कबीलाए बनू अस्त और बनू गसान तो बाकायदा मनात का हज भी करती थी। दौरे जहलियत में अहले मदीना के नज़दीक हज की तकमील उस वक्त तक मुमकिन ही न थी कि जब तक मनात नामी इस बुत की इबादत ना की जाए। मनात नामी इस बुत अच्छा। को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुक्म पर हज़रत अली ने फताह मक्का के लिए जाते हुए मुनहदिम कर दिया था। ओके या गौस और यहूस ये तो एक तो अभी तक चल रहा है ये गौस यही है यहूस जिसको मुश्किल कुशा गौस कहते हैं ना गौस ना हो तो जमीन कायम नहीं रह सकती। तो ये गौस देखे कब से है कब से चल रहा है ये नाम यानी कॉमन है। दोस्तों गालिबन ये बात इजराही मजाक कही गई है क्योंकि कुरानी मजीद में मजकूर यगौस नामी इस झूठे खुदा का हजरती अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं। यगौस दर हकीकत हजरती इदरीस अलैह सलाम के दौर के उन पांच इंतहाई नेक और इबादत गुजार लोगों में से एक थे जो अपनी कौम में अपनी तकवाओ परहेजगारी के बाईस इंतहाई मकबूल थे। लिहाजा इनकी कौम ने इनसे अकीदत व एहतराम के इजहार के लिए इनकी तस्वीर और मूर्तियाँ बनाकर अपने घर में रख ली थीं। लेकिन हजरत नू अलैह सलाम का ज़माना आने तक लोगों ने यगूस समेत इन पांचों अफराद की इबादत करना शुरू कर दी। हजरत नू अलैह सलाम एक तवील अरसे तक अपनी कौम को इन बुतों की इबादत से मना फरमाते रहे लेकिन इनके कान पर जू तक ना रेंगी और ये तमाम कौम एक सैलाबी अजीम के बाईस दुनिया से मिटा दी गई। हाँ, ये बस सुने हैं। बुखारी की एक हदीस के मुताबिक कौमी नू का तो खात्मा हो गया अलबत्ता अहले अरब ने यगूस समेत इनके तमाम बुतों को अपना लिया और इनकी इबादत शुरू कर दी। यगूस की लगवी माने हैं वो मदद करता है। ये अहले अरब में कबीलाए तय और कबीलाए मजहज की बादशाहों का माबूद था। मजहज वालों ने यमन और हिजाज के दरमियान जर्श के मकाम पर यगौस का एक बुत नस्ब कर रखा था जिसकी शक्ल शेर की थी। दौरे जहलियत में अहले अरब के बाज लोगों का नाम भी अब्द यगौस मिलता है। यऊक यऊक भी एक इंतहाई कदीम देवता है जिसकी इबादत इस बुत की जी थोड़ी जी लुक है ना जिदा ग्रीक गॉड्स है जेडे उन्हां वर्गी लग रही है नू अलैह सलाम के दौर में हुआ करती थी। यऊक नामी इस बुत का जिक्र भी कुरानी मजीद की सूरह नू में बाकी चार बातिल देवताओं के साथ हुआ है जिनकी प्रस्तिश दुनिया की मुख्तलिफ अकवाम में किसी न किसी सूरत में आज भी राइज है। अहले यमन के अलावा कबीलाए हमदान के लोग भी यऊक को अपना माबूद तस्लीम करती थी। यऊक का बुत घोड़े की शक्ल का था जिसकी इबादत अरब में ज़हूर इस्लाम से पहले तक की जाती थी। वद वद नामी इस देवता का ताल्लुक भी हजरत नू अलैह सलाम के ज़माने से है जिसे मोहब्बत और दोस्ती का देवता तस्लीम किया जाता है। अरबों ने वद नामी इस देवता का बुत दोमतुल जंदल के मकाम पर बना रखा था।
कबीलाए बनी कल्ब और परेश के लोग इसी अपना माबूद तस्लीम करती थी। अरब की तारीखी कुतबात में इसी वदम अबम का नाम भी दिया जाता है। बाज़ मौरखीन के मुताबिक हिंदुस्तान में पूजा जाने वाला देवता गणेश भी इसी कदीम देवता वद की एक शक्ल है। कदीम अरब में अब्दे वद नाम रखने का रिवाज भी आम था। सुवा कुरानी मजीद में सुवा का नाम एक बादल देवता के तौर पर दर्ज है, जिसकी इबादत हजरत नूह अलैह सलाम की कौम किया करती थी। ताहम इस्लाम से कबल अरबों में इसे एक देवी के तौर पर पूजा जाता था। इसका बुत एक औरत की शक्ल का बनाया गया था, जो रुहात नामी इलाके में कायम एक मंदिर में नस्ब था। सन 8 हिजरी के दौरान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुक्म पर हजरत उमर बिन अलास इस मंदिर को ढाने की गर्ज से रवाना हुई और आपने सदियों से कायम कुफ्र व शिर्क के इस मरकज को हमेशा हमेशा के लिए मुनहदिम कर दिया। नसर नसर की लगवी माने हैं गिद या औकाब। नसर अच्छा। नामी इस बातिल देवता का जिक्र भी सूरा नू की आयत नंबर 23 में हुआ है। इस देवता का बुत अरब के इलाके बलखा में नस्त था, जिसकी शक्ल सूरत एक गिद के जैसी थी। कबीलाए हुमैर के अफराद इसे अपना माबूद तस्लीम करती थी। कौमी सबा की कदीम कुतुबों में इस देवता का नाम नसूर मिलता है, जबकि इसके मानने वालों को अहली नसूर भी कहा जाता था। नसर नामी इस झूठे माबूद की इबादत सल्तनत रोमा की अदवार में अपने उरूज पर थी। कदीम रोमन लोग इस बुत को ताकत और लाफानियत का निशान तस्लीम करती और इसकी इबादत करती थी। बाल बाल नामी इस झूठे खुदा का जिक्र भी कुरान मजीद की सूरह अस्साफात की आयत नंबर 125 में हुआ है। हजरत इलियास अलैह सलाम की कौम इस बुत की इबादत किया करती थी, जबकि इन लोगों ने अपने शहर का नाम भी इस बुत के नाम पर यानी बाल बक रखा हुआ था। ये सोने से बना एक बुत था, जिसकी लंबाई 20 इंसानी हाथों के बराबर थी। इसके खादिमों की तादाद 400 के लगभग थी, जिन्हें बाल के रसूल कहा जाता था। ये बुत नौ मौलूद बच्चों की कुर्बानी के हवाले से खासा बदनाम है, क्योंकि कौमें बनी इसराइल और बाल की इबादत करने वाली दीगर कौमें यहाँ अपनी मुरादें तलब करने आती और कुर्बानी के तौर पर अपने नौ मौलूद बच्चों का नजराना पेश करती, जिन्हें यहाँ मौजूद साधु आग में झोंक देती। सोएसी गाइस आज दी एक वीडियो जिहड़ी आपां तुहाडे नाल देखी, जिहड़ा एंड ते आपां एक बुत देखिया बाल दा, जिहड़ा पिछे जे कॉमनवेल्थ गेम्स जदों शुरू होईयां सी उहदे विच जो प्रेजेंटेशन इन्होंने की स्टार्टिंग ते ओपनिंग सरमनी ते उहदे विच बाल दी पूजा करदे हुए दिखाए सी। उदों आपां सारी वीडियो देखी सी कि एक सोने दा बकरा टाइप उदां दा कुछ बनाया सीगा ते जिहड़ा अद्धा बकरा अद्धा इंसान इदां दी चीज़ां भी चलदियां ते उहनूं पूजदे सी, बच्चियां दी बली दित्ती जांदी सी। सो उस चीज़ों प्रमोट किया गया। हुण शैतान की पूजा दज्जाल की पूजा वो सब चीज़ा जिहड़ियां आपां उस वीडियो दे विच देखियां सी। सो अज की वीडियो आपां देखिया कि ऑलरेडी कुरान दे विच ये चीज़ा मैनशन ने कि 9 इदां दे फालस गॉड सीगे, 9 इदां दे 9 बुत इदां दे जिन्हां की पूजा की जाती सी बना के, एंड कईयां दी पूजा तो उस टाइम सेम टाइम भी की जाती सी, जिहड़े हज करन जां मक्का मदीना जाते हैं तो उत्थे फिर वो पहला हज करके उस तो बाद बुत्तां नूं भी मत्थे टेकदे आ, उन्हां दी भी कहिंदे, उन्हां दा भी उत्थे भी हज करदे सी इदां उन्होंने दस्सिया। सो देखो भी ये चीज़ा तो गलत ही है, हुण तां चलो पूरे तौर पर मनाही होगी इस्लाम दे विच, ठीक है, लेकिन क्योंकि इत्थे एक चीज़ नूं समझो हुण कई अखे बुत सीगे घोड़े की शेप के सी, कई बुत सीगे भी वो बाज की शेप के सी, कई किसी की कई किसी की, जेकर इन्हां नाल गल करिए उस पर्टिकुलर जानवर की जिहड़ी आपां नूं खूबी गिना देणगे, पर मेरे ख्याल इत्थे तुसीं उस जानवर नाल कंपेयर कर रहे हो कि तुहानूं रब ने वो सारियां खूबियां एक इंसान के रूप में दित्तियां, ठीक है, इंसान दे कोल दिमाग दिता सब तो ज़्यादा ताकतवर चीज़ है जिहड़ी, जानवरों को दिमाग नहीं है, तो तुसीं उन्हां बुत्तां उन्हां दी शेप दे बुत बना के उन्हां नूं पूजा कर रहे हो, पर इहदा मतलब फिर जिहड़ा तुहानूं रब ने दिमाग दिता वो किसी काम का नहीं रहा, ठीक है। सो इदां दी चीज़ां पर अजकल ये चीज़ा घट चुकी हैं, पर कई थावां ते ये चीज़ा पूरे जोरों शोरों नाल हजे भी है। हाँ बली बुली देने वाला सिस्टम तो चलो बिल्कुल ही खत्म आ,
जिन्ने क दुनिया नूं आपां जाणदे आ उत्थे तक तां खत्म ही आ। हालांकि पता नहीं शायद कोई इदां दे कबीले टाइप जो अफ्रीका दे जंगल कह लो जां जिहड़े आदिवासी है हजे भी कई थावां ते आपां नूं देखण नूं मिलदे आ जिहड़े कि दुनिया दे नालों संपर्क जिन्हां दे टुटे हुए है वह शायद हजे भी इह चीज़ां दे विच इसे तरह शिरक करदे आ, मतलब बुत पूजदे आ ते बलियां दिंदे आ शायद, क्योंकि दुनिया दे विच कई इदां दे आईलैंड्स है जिहड़े जिहड़े आईलैंड्स दे जिहड़े उत्थे दे लोक है जिन्हां नूं आपां आदिवासी कह दिंदे आ वह लोग दुनिया नाल संपर्क नहीं रखना चाहते। उन्होंने ये नहीं पता कि फोन नाम की कोई चीज़ होंगी है, उन्होंने ये नहीं पता कि टीवी है कार है, ठीक है, उन्होंने ये नहीं पता कि दुनिया इन्नी एडवांस हो चुकी, क्योंकि वह एक दुनिया के वक्र दुनिया तो बिल्कुल टुटे हुए लोग ने। तो जेकर उन्होंने कोई जाता भी है, तुम वीडियो देख सकते हैं, जेकर उन्होंने कोई जाता भी है तो उन्होंने उतो भजा देंगे है, ठीक है। दैट्स वाई कहना कि शायद कुछ लोग इदा हजे भी हो जे इन चीज़ों यकीन रखते हो, पर मोस्टली जिहड़े इन्हां चीज़ां तो उपर उठ चुके लोग समझ आ चुकी है। सो यह सी अज की वीडियो इंट्रस्टिंग होएगी, एंड सब तो मेन गल यह कुरान में यह ऑलरेडी मैनशनड है। सो तुहानू कदल की वीडियो मैंने चकमेंट करके जरूर दस्सो, जाने तो पहले अपने चैनल करो सबसक्राइब, होर बहुत सारिया वीडियोज़ तुहानू देखने मिल जाएंगी इदां दी ही एंटरटेनमेंट कॉमेडी इनफॉर्मेशन सब तरह का कॉन्टेंट अपने चैनल पर। मिलते हैं किसी होर वीडियो, सत श्री अकाल।